मैं आपको आज इस वीडियो में आईफोन में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि आपके काफी काम आएंगे और आपका आईफोन एक्सपीरियंस काफी बेहतर करेंगे। ऑटोमेशन जैसे कि अपने आप अपने फोन को DND पे लगाना या DND से हटाना, या फिर अपने आप आपका वाईफाई ऑन कर देना और मोबाइल डेटा ऑफ कर देना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा इन ऑटोमेशन को कैसे बनाना है। आज के सबसे पहले शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लोकेशन को यूज करके अपने वाईफाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप शॉर्टकट्स ऐप में जाइए, फिर न्यू ऑटोमेशन पर टैप करिए, उसके बाद आप अराइव ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ पे आप लोकेशन के पास जो चूज ऑप्शन है उस पर टैप करिए और करंट लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप उस लोकेशन पे हैं जहाँ पे आपको वाईफाई चाहिए, नहीं तो आप कोई भी लोकेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेली सेलेक्ट करिए, फिर रन इमीडिएटली सेलेक्ट करिए, फिर नेक्स्ट पर टैप करिए, फिर न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन पर टैप करिए, इधर आप एड एक्शन पर जाइए और यहाँ पे वाईफाई सर्च करिए, फिर सेट वाईफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आप इंश्योर कर लें कि यहाँ पर टर्न वाईफाई ऑन है, उसके बाद आप नेक्स्ट पर टैप करिए। तो यह हमारा ऑटोमेशन बन चुका है। अब आप जब भी जो भी लोकेशन आपने सेलेक्ट करी है वहाँ आएंगे तो अपने आप वाईफाई जो है आपका ऑन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑटोमेशन बनाएंगे वाईफाई को ऑफ करने के लिए जब भी आप उस लोकेशन को छोड़ें। तो आप प्लस आइकन पर टैप करिए, फिर यहाँ पे लीव ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, फिर लोकेशन चूज कर लिए जो आपने पिछली बार करी थी वही सेम लोकेशन, और डन पर टैप करिए, इधर डेली हो और रन इमीडिएटली पर टैप करके नेक्स्ट कर दीजिए, फिर न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन में जाकर ऐड एक्शन पर सेट वाईफाई सर्च करिए, सेट वाईफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करिए और टर्न वाईफाई ऑफ को सेलेक्ट करके डन पर टैप कर दीजिए। तो अब आप जब भी वो एरिया छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑफ हो जाएगा। मतलब हमने दोनों ऑटोमेशन बना लिए हैं, जब भी लोकेशन पर आएंगे तो वाईफाई ऑन होगा और जब आप लोकेशन को लीव करेंगे वाईफाई ऑफ हो जाएगा। लेकिन अब हमें ऐसे ही कुछ अपने मोबाइल डेटा के साथ करना है कि जब हमारा फोन वाईफाई से कनेक्टेड है तो मोबाइल डेटा ऑफ हो जाए और जब हमारा फोन वाईफाई से डिसकनेक्ट होता है तो मोबाइल डेटा ऑन हो जाए। ऐसा करने के लिए आप प्लस आइकन पर टैप करिए, फिर स्क्रॉल डाउन, वाईफाई सेलेक्ट करिए, फिर नेटवर्क चूज करिए। यहाँ वो वाईफाई नेटवर्क्स चूज कर लिए जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे आपका घर का और ऑफिस का वाईफाई। मैं ये दो वाईफाई सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर डन, फिर नेटवर्क ज्वाइंट पर टैप करिए, इसके बाद रन इमीडिएटली सेलेक्ट करिए, फिर नेक्स्ट, फिर सेट मोबाइल डेटा पर टैप करिए। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं दिख रहा है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, फिर टर्न मोबाइल डेटा ऑफ पर रखिए और डन पर टैप कर दिए। अब जब भी आपका फोन आपके सेलेक्टेड वाईफाई से कनेक्ट होगा तो मोबाइल डेटा अपने आप ऑफ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑटोमेशन करेंगे मोबाइल डेटा ऑन करने के लिए। ऐसा करने के लिए फिर से आप प्लस आइकन पर टैप करिए, फिर स्क्रॉल डाउन, वाईफाई सेलेक्ट करिए, फिर नेटवर्क लेफ्ट पर टैप करिए, फिर वही सेम वाईफाई नेटवर्क्स चूज करिए। मैं ये दो वाईफाई सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले करे थे, फिर डन, इसके बाद रन इमीडिएटली सेलेक्ट करिए, फिर नेक्स्ट, फिर सेट मोबाइल डेटा पर टैप करिए, फिर टर्न मोबाइल डेटा ऑन पर रखिए। मैंने गलती से ऑफ सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आप ऑन पर रखिए इसको और डन पर टैप कर दिए। अब जब भी आपका फोन आपके सेलेक्टेड वाईफाई से डिसकनेक्ट होगा तो मोबाइल डेटा अपने आप ऑन हो जाएगा और कनेक्ट होगा तो अपने आप मोबाइल डेटा ऑफ हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अननोन कॉलर्स को साइलेंट कैसे कर सकते हैं। आप ऐसा करने का एक कोई टाइम भी सेट कर सकते हैं। प्लस आइकन पर टैप करिए, अननोन कॉलर्स को रात में 10 बजे साइलेंट करना है तो हम टाइम ऑफ द डे सेलेक्ट करेंगे। इधर टाइम एंटर कर दिए, जैसे रात के 10 बजे से हमें साइलेंट करना है। इसको हम डेली रन करेंगे और नीचे रन इमीडिएटली का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। नोटिफिकेशंस मैं ऑफ रखता हूँ, नहीं तो आईफोन हर बार नोटिफाई करता है जब भी कोई ऑटोमेशन रन होता है। फिर नेक्स्ट पर टैप करिए, यहाँ न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन पर टैप करिए, फिर एड एक्शन, इधर साइलेंस अननोन कॉलर सेलेक्ट करिए। यह इंश्योर कर लें कि इधर ऑन का ऑप्शन सेलेक्टेड है तो रोज रात 10 पर आपके अननोन कॉलर साइलेंट हो जाएंगे, मतलब जो नंबर्स सेव्ड नहीं है उनके कॉल्स साइलेंट हो जाएंगे। अब इसको वापस नॉर्मल करने के लिए एक सेकंड ऑटोमेशन हमें बनाना होगा, तो प्लस आइकन पर टैप करिए, टाइम ऑफ द डे सेलेक्ट कर लिए। यह ऑटोमेशन हमारा रोज सुबह 7 बजे ऑन होगा। इसमें रन इमीडिएटली सेलेक्ट करिए और नोटिफाई व्हेन रन को ऑफ कर दिए, फिर न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन में जाकर साइलेंस अननोन कॉलर सेलेक्ट करिए और यहाँ सेलेक्ट करिए आप टर्न अननोन साइलेंस कॉलर्स ऑफ। अब रोज सुबह 7 बजे ये डिसेबल हो जाएगा और आपको सबके कॉल्स आएंगे। और आप एक ही ऑटोमेशन पे मल्टीपल एक्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस ऑटोमेशन में करा है, तो रात में मेरा फोन लो पावर मोड पर भी आ जाएगा और साइलेंट भी हो जाएगा, मतलब वाइब्रेशन मोड पर भी आ जाएगा। आप इसमें और भी सारे एक्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड या कोई भी फोकस मोड, और भी आप थोड़ा
इसमें सर्च करके अलग अलग चीजें देख सकते हैं और अपने हिसाब से ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले शॉर्टकट पर। आप अपने कार पर कोई ऑडियो या वीडियो अगर सुनते हैं, आप फोन साइलेंट करना भूल जाएं, तो नोटिफिकेशंस आने पर ऑडियो इंटरप्ट होता है और वॉइस लो हो जाती है। इस शॉर्टकट में इसका सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। फिर से प्लस पर टैप करिए, स्क्रोल डाउन, फिर ब्लूटूथ में जाइए। डिवाइस पर आप अपने कार का ब्लूटूथ चूज करिए। यहाँ मैं अपनी कार का ब्लूटूथ चूज कर रहा हूँ। इस कनेक्टेड सेलेक्ट करिए, फिर रन इमीडिएटली, फिर न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन सेलेक्ट करिए, फिर ऐड एक्शन, साइलेंट सर्च करिए और सेट साइलेंट मोड को सेलेक्ट करिए। यहाँ टर्न साइलेंट मोड ऑन रखना है हमको और फिर डन। अब जब भी आपका फोन कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो वो साइलेंट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि डिसकनेक्ट करने पर वापस अपने फोन को साइलेंट मोड से कैसे हटाएं। तो फिर से प्लस आइकन पर टैप करिए, स्क्रोल डाउन, फिर ब्लूटूथ में जाइए। डिवाइस पर से अपनी कार का ब्लूटूथ दोबारा चूज कर लिए, फिर रन इमीडिएटली, इस डिसकनेक्टेड सेलेक्ट करिए, फिर न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन सेलेक्ट करिए, फिर ऐड एक्शन, साइलेंट सर्च करिए और सेट साइलेंट मोड को सेलेक्ट करिए। अब यहाँ टर्न साइलेंट मोड ऑफ रखना है हमको और फिर डन। अब जब भी आपका फोन कार के ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट होगा तो वो वापस रिंगर पे आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑटोमेशन पर। आप कभी कभी कुछ एप्स ओपन करते हैं तो एकदम से अगर रील्स या कोई और वीडियो ओपन है तो बहुत लाउड वॉइस आती है और ये किसी किसी सिचुएशन में काफी एम्बेरसिंग हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कुछ एप्स को ओपन जब भी करेंगे तो अपने आप वॉल्यूम जीरो या आप जितनी भी सेट करना चाहते हैं उतनी हो जाएगी। तो आप प्लस आइकन पर टैप करिए, स्क्रॉल डाउन, यहाँ ऐप ओपन सेलेक्ट करिए। ऐप के साइड में चूज पर से वो एप्स चूज कर लिए जिन पर आपको वॉल्यूम कम करना है। मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इस ओपेंड का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, उसके बाद रन इमीडिएटली और नोटिफाई व्हेन रन को ऑफ रखिए। फिर नेक्स्ट, फिर न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन पर टैप करिए, फिर ऐड एक्शन, इधर वॉल्यूम सर्च करिए और सेट वॉल्यूम सेलेक्ट करिए। फिर 50% को जीरो कर दिए, या अगर आप जीरो से थोड़ी ज्यादा जैसे कि 10% या 20% चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब ये एप्स जब भी ओपन होंगी तो वॉल्यूम अपने आप 0% हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे शॉर्टकट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी शॉर्टकट्स आप लोगों को बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।